एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम जा रहे हैं क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं क्रॉनिकल्स, और ये है क्रॉनिकल्स। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा स्टोन का बना होता है। ये एंट्रेंस है, तो चले हम ऊपर जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एंट्रेंस में ही नीचे खड़ी हुई हूँ, तो लेट्स गो अप एंड देन आई विल शो यू फ्रॉम द इनसाइड हाउ इट लुक्स। और इस पर जॉर्जियन लैंग्वेज में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। जितने भी क्रॉनिकल्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो सब के बारे में ऐसे लिखा हुआ है। और ये बहुत सारे जगहों पर है, काफ़ी जगह पर ये ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, ज़मीन पर है ये रखा हुआ। यहीं से एंट्रेंस भी होती है अंदर जाने की, और फिर अंदर एंट्रेंस में भी ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। और वहाँ पर अंदर जो क्रॉनिकल्स रखे हुए हैं, मतलब दीवार में ही बने हुए हैं, उसके बारे में नीचे उनके लिखा हुआ रहता है। काफ़ी लोग यहाँ पर सनसेट के टाइम पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और पूरी सिटी दिखती है यहाँ से, क्योंकि एकदम टॉप पे बना हुआ है। हमारा भी कुछ प्लान ऐसा ही था कि हम सनसेट से पहले पहुँच जाए और फिर सनसेट देखकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन हम सबको निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और सनसेट घर पर ही हो गया था हमारा, और उस वजह से मैं आपको सनसेट नहीं दिखा पा रही हूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं वापस आऊँगी इस जगह पर, दिन में आऊँगी और आपको सनसेट का व्यू बताऊँगी। और अब ये देखें, ये है हमारे क्रॉनिकल्स। ये सारे क्रॉनिकल्स के बारे में कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, और इन सब की हिस्ट्री जॉर्जियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये एक मेमोरियल मॉन्यूमेंट है जो टिब्लिसी सी के नज़दीक बनाया हुआ है 1985 में, बट आज तक ये कभी पूरा नहीं बन पाया है। ये आधा अधूरा काम है और येट इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। इसमें ये जो क्रॉनिकल्स है, ये ऐसे 16 पिलर्स है जो 30 से लेकर 35 मीटर्स टॉल है, और इसका जो टॉप हाफ है, जो एकदम ऊपर की तरफ है, उस पर सिर्फ किंग्स, क्वींस और जो हीरोज़ हैं जॉर्जिया के, उनके बारे में क्रॉनिकल्स बने हुए हैं। और जो नीचे का हाफ है, वहाँ पर सब क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बताया गया है। पूरी स्टोरी क्राइस्ट के ऊपर है नीचे वाली, और ऊपर वाले जितने भी क्रॉनिकल्स हैं, वो सब किंग क्वीन के हिस्ट्री बताती है। ये एक और बोर्ड अंदर की तरफ बनाया हुआ है, जिसमें अंदर के क्रॉनिकल्स के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। क्रॉनिकल्स का सेकेंड एंट्रेंस है, और यहाँ पर क्राइस्ट है और कुछ लोग हैं, ऐसे एक क्रॉनिकल बनाया हुआ है, और जॉर्जियन लैंग्वेज में कुछ तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। क्रॉनिकल से रिलेटेड कुछ उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, और उसके ऑपोजिट में ही ये एक छोटा सा चर्च है। हम जा रहे हैं नारिकला फोर्ट, वहाँ से हम न्यू ईयर देखेंगे, बिकॉज आज 31st की रात है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक अपलोड होगी, लेकिन हम वहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ थे अभी। न्यू ईयर्स और क्रिसमस काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है यहाँ पर। पूरा सिटी डेकोरेट किया हुआ रहता है, सारे रोड्स डेकोरेट किए हुए रहते हैं। इस बार मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और यहाँ पर लॉकडाउन भी हो चुका है। मैंने बस ये ऑन द वे थोड़ा सा शूट किया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको दिखाऊंगी इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो सारे डेकोरेशंस के साथ में। अभी हम चलते हैं नारिकला फोर्ट, और वहाँ से हम पूरी सिटी देखेंगे। नारिकला टिब्लिसी का एकदम टॉप मोस्ट फोर्ट है, और वहाँ से पूरी सिटी दिखती है। और हम वहाँ इस वजह से जा रहे हैं ताकि हम वहाँ से पूरे सिटी की फायरवर्क्स देख सकें। एरिया में काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूट होती है। आपने सोनू की टीटू की स्वीटी में भी ये एरिया देखा रहेगा, जब वो लोग अपने बैचलर्स पार्टी के लिए जाते हैं, तब वो कंट्री कोई और रहती है, लेकिन बैकग्राउंड यही दिया हुआ रहता है उनके सीन में। उनका वो बैचलर्स पार्टी का शॉट इसी एरिया में शूट किया हुआ है।
वो सारे क्लब्स एंड ऑल एवरीथिंग यही एरिया में है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सब बंद है और मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और अभी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, हमें वो नारीकला फोर्ट तक जाना है, तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, आधा घंटा लगता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो लेट्स गो और फिर मैं ऊपर से आपको सीन बताऊँगी। ये हाफ वे पहुँचे हैं हम और हाफ वे से हमारी सिटी इतनी खूबसूरत दिखती है। और ये है हमारा नारीकला फोर्ट, हमें यहाँ तक चलते जाना है। हमने ऑलरेडी मोर देन हाफ वे कम्प्लीट कर लिया है, अब थोड़ा सा ही बाकी है। हम टॉप तक पहुँच चुके हैं और ये है टॉप का सीन। हमें ऊपर पहुँचते पहुँचते 12 बज चुके थे और ये है सेलिब्रेशन ऑफ आर न्यू ईयर 2021। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप ये नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे और ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। लॉकडाउन है तो ज़्यादा कोई लोग नहीं आए रहेंगे, बट यहाँ पर काफ़ी लोग जमा है और ये नीचे का भी है। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।